हेलो दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप गूगल एडसेंस CTR कैसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से बीटा वर्जन में। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको अपना गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर कुछ भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको गूगल एडसेंस सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करोगे, इसके बाद यहाँ पे इस तरीके की वेबसाइट आ जाएगी गूगल एडसेंस की। आपको इस वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको इसमें लॉगिन करना नहीं आता है तो फ्रेंड्स, उस पर मैंने वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ 00 दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको आपको यहाँ पे 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ से डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। इसके बाद इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 3 लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा थोड़ा सा लोडिंग होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चले आना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ 00 दिखा रहा है और यहाँ पे फ्रेंड्स CTR का जो ऑप्शन है यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पेन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CTR का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आपको इस CTR वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से इसको अप्लाई कर देना है। जिसे आप अप्लाई करोगे, इस तरीके से थोड़ा सा सर्फिंग होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CTR का ऑप्शन आ चुका है। लेकिन आप यहाँ पे जैसे ही CTR वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ 00 रहेगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बीटा वर्जन है। आपको अपना गूगल एडसेंस CTR चेक करने के लिए यहाँ पर आपको बीटा वर्जन दिख रहा है, इसको आपको ऑफ कर देना है। इस तरीके से ये हमारा ऑन रहेगा, इसको आपको ऑफ कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पेज व्यू, इम्प्रेशन, क्लिक, पेज RPM। यहाँ पे आप इम्प्रेशन देख सकते हैं डॉलर में, और इसी तरीके से आप यहाँ पे एक्टिव व्यू देख सकते हैं कि कितने हैं। यहाँ से आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे CTR का ऑप्शन नहीं देख पा रहे होंगे, तो CTR के लिए यहाँ पे आपको क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, इस तरीके से हमारा थोड़ा सा सर्फिंग होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CTR का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। CTR 1.02% यहाँ पे हमारा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे CTR चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, CTR जो है ये हमारा लास्ट 7 डेज का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप ये जो CTR है ये ऑल टाइम का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लास्ट 7 डेज का, लास्ट मंथ का, ऑल टाइम का, 30 दिनों का। तो यहाँ से आप ऑल टाइम का देखना चाहते हैं तो आपको ऑल टाइम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, इस तरीके से थोड़ा सा ये हमारा सर्फिंग होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा CTR जो है वो 0.89% यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि ये ऑल टाइम का है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना CTR बिल्कुल आसानी से। और यहाँ पे आप डे वाइज डे भी देख सकते हैं कि हमारा डे वाइज डे कितना CTR यहाँ पे जाता है, कितना इम्प्रेशन जाता है, RPM और एक्टिव व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एडसेंस CTR चेक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना।